Hello everyone, you are most welcome again on my channel and today's topic is how to start speaking English. आज का जो टॉपिक है वो है कि इंग्लिश में बात करना शुरू कैसे करें. जब हम शुरू करेंगे तभी हम कहीं जाकर पहुंचेंगे. तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि इस वीडियो के बाद आप इंग्लिश के फील्ड में जंप कर जाएंगे. आज अगर आपने आज से पहले कभी इंग्लिश में बात नहीं किया है तो इस वीडियो के बाद या 5 मिनट बाद आपको जरूर फील होगा कि यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ. तो चलिए करना क्या है, ये जो वीडियो है दो स्टेप में आपको प्रैक्टिस करना. ऑलराइट, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप. तो जो पहला स्टेप है वो समझिए कि पहले स्टेप में आप लोगों को ये देखना है कि इसमें चार पार्ट है और हम अपने बारे में बात कर रहे हैं. ऑलराइट, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो अपने बारे में बात करेगा, लेकिन अभी फिलहाल आप क्या करेंगे कि ये जो मैंने यहाँ पे वर्ब्स लिखी है, जब हम वर्ब्स की बात करते हैं तो वर्ब्स का मतलब होता है कोई काम, जो भी हम कोई काम कर रहे हैं. अब इंग्लिश में हमें स्टार्ट करना है बिना ग्रामर को समझे हुए. हिंदी टू इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, ध्यान रखें कि हम हिंदी टू इंग्लिश प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन मेथड से सीखते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी जो कमी है वो ये है कि थिंकिंग, आप बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं सेंटेंसेस को बनाने से पहले. पहले जब भी कोई आपके सामने इंग्लिश में बोलेगा आप क्या करेंगे, पहले उसका इंग्लिश हिंदी सोचेंगे फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे. तो हम डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन घबराइए मत, आप इसे इजीली कर लेंगे. बस आप मेरे साथ ध्यान से इसे देखते रहिए. करना क्या है, पहले आपको आई बोलना है, उसके बाद जो ये यहाँ पे काम रखे हुए जैसे गेट अप, गेट अप मीन्स होता है उठना, ब्रश मीन्स होता है ब्रश करना, टूथ ब्रश पेस्ट जो करते हैं, गेट रेडी तैयार होना. जब हम योगा की बात करें तो उसके आगे हमें एक काम लिखना पड़ेगा, डू योगा मीन्स योगा करना, देन प्रे टू गॉड भगवान की पूजा करना, देन गो टू स्कूल स्कूल जाना, एंड टीच टीच स्टूडेंट्स. ये हमारे पास कुछ वर्ब्स हैं, देन वी विल प्रैक्टिस विद दीज वर्ब्स एज वेल. जो मॉर्निंग के काम है वो इस तरह से हमें बोलने हैं. अब आपको पहला जो पार्ट है इसका प्रैक्टिस का उसे ध्यान से समझिए और इसे आपको करना है. आपको इस तरह से ये एक पेज में बनाना है, उस पेज को लेके बैठिए. अब इसे सिंपली क्या करना है आपको, आई गेट अप, आई ब्रश माई टीथ, आई गेट रेडी, आई योगा, आई डू योगा, कीप ऑन स्पीकिंग विद मी. मेरे साथ आपको बोलना भी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं हेडफोन लगा के आराम से प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ. आई प्रे टू गॉड, आई गो टू स्कूल, आई टीच इंग्लिश, आई टीच माई स्टूडेंट्स. अगर आप अपने बच्चे को या किसी को सिखा रहे हैं तो आप इसी तरह से उसको सिखा सकते हैं इंग्लिश में बात करना. वीडियो सीरीज देखते रहिए, शेयर करते जाइए. आई कम बैक, आई वॉश माई हैंड्स, आई टेक लंच, आई टेक रेस्ट, आई वेक अप, वेक अप, ओके, आई वेक अप एट 4, आई क्रिएट वीडियोस फॉर यू, I study in evening, I study, I work on channel, I do martial arts, I take snacks, I teach my students in evening, I play guitar, I study, I surf internet, and I take dinner. Now, second step, आपको second step में से क्या practice करना है? अब आप लोगों को इन तीन चार चीजों को देखना है. एंड एंड मींस हिंदी में होता है और, देन मींस होता है तब, ऑलराइट, एंड मींस सिंपली और, आफ्टर दैट इसके बाद, ओके. सो तीन चीजें, एंड देन आफ्टर दैट. अब सेकंड जो आपका स्टेप है उसमें आप करेंगे कि जब भी आप दो सेंटेंसेस बोलेंगे उनके सामने आपको एंड एंड देन यूज करना है. किस तरह से, आई गेट अप एंड हियर एंड ब्रश, आई ब्रश माई टीथ, देन आई गेट रेडी एंड डू योगा, आफ्टर दैट, देन यूज आफ्टर दैट आई प्रे टू गॉड एंड आई गो टू स्कूल एंड आई टीच माई स्टूडेंट्स. I come back from school, I wash my hands, I take lunch,
After that, I take rest and I wake up at 4. Then I create videos. Hope you are getting. आपको समझ में आ रहा है? आप लोग इस तरह से इसको practice करेंगे. अगर आप इसे लगभग 1 घंटा practice करेंगे, तो easily फिर आप इसे बिना देखे, जो तीसरा step है, उसमें आपको क्या करना है कि इसे बिना देखे बोल पाना है. Comment box में जरूर लिखना आप लोग कि आप 3rd level पे पहुंच चुके हैं या नहीं कर पाए हैं इसको. आपको क्या करना है, पहले इसे सिंगल सेंटेंसेस, फिर कनेक्टर के साथ में प्रैक्टिस करनी है, और फिर इसे बिना देखे आपको बोलना है. I get up and I brush my teeth. Then I get ready and I do yoga. Then I go to school and teach my students. This is very basic, but after doing this, at least you will be able to speak for 10 minutes without help of any notes. अगर आप इन 3 step को करते हैं, तो आप बिना सोचे एक बार आप करके जरूर देखिएगा इसे. अगर आप लोग English बोलना सचमुच सीखना चाहते हैं, तो इसे 3 step इसकी practice करके देखिएगा. आप बिना सोचे हुए, बिना हिंदी सोचे हुए, आप English में directly बात कर पाएंगे. यही secret है speaking करने का. Then you will come here. I study and I work on my channel and I do martial arts. Then I take snacks and I teach my students. So in this way, hopefully you will practice all these. If you get any problem, you can send me WhatsApp simply on 7409287156. Thank you so much for watching my channel and video. Don't forget to subscribe and share. Share karna zarur kijiye, share zarur kijiye, and like karna mat bhuliyega. See you next video. Till then, bye bye. Take care. See you.